वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर फिनिश किया था, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में सबसे पहला कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी सेम शेप और सेम साइज हो। तो जैसे दो नोट हों एक जैसे, 2 10 रुपी नोट्स दूसरा शेविंग ब्लेड्स एक ही कंपनी के, 2 ब्लेड्स ऑफ सेम कंपनी। वो देखने में भी एक जैसी उनकी शेप और एक जैसा साइज होता है। तो अगर एक को उठाकर हम दूसरे के ऊपर रखें ब्लेड को, तो हमें ऐसे लगेगा कि एक ही ब्लेड है। तो इस तरह की फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। अब ये चैप्टर ट्राइंगल्स का है, तो जहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात होगी, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हों, तब वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये पहला क्राइटेरियन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का। तो इसको ड्रा करता हूँ मैं। मान लो ये है एक साइड, ये है दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है यह पी क्यू आर, ए सी पी आर के इक्वल हो अगर, ए बी पी क्यू के इक्वल और बी सी क्यू आर के इक्वल हो, तब ये ट्राइंगल्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का ये निशान होता है इस तरह से इक्वल टू, और उसके बाद ये ऊपर टेढ़ा सा एस, टू बोलेंगे टेढ़ा सा टू, एस ऐसे नहीं, ऐसे होता है ये। तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरी साइड्स की तीनों साइड्स के जब इक्वल हों, तो तब हम बोलते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन। 5 क्राइटेरियन है इसी तरह से। दूसरा है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। यहाँ क्या होता है, 2 एंगल्स एक ट्राइंगल के और उन एंगल्स के बीच वाली साइड बराबर होती है दूसरी ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स और बीच वाली साइड के। जैसे एक ट्राइंगल आ गई और दूसरी ट्राइंगल इस तरह से आ जाए। मान लो ये है एक्स वाई जेड ट्राइंगल और ये है ए बी सी और एंगल एक्स इक्वल है एंगल ए के और एंगल वाई इक्वल है एंगल बी के, और इन 2 एंगल्स के बीच में जो साइड इंक्लूड हुई है जहां एक्स वाई है और यहां ए बी है, अगर एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल एंगल वाई एंगल बी के इक्वल और एक्स वाई लेंथ ए बी लेंथ के इक्वल हो, तब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं बाई ए एस ए क्राइटेरियन। तो ये दूसरा क्राइटेरियन हो गया।
तीसरा है SAS, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। तो यहाँ एंगल ये दो हैं, तो फिर साइड जे ही लेनी है जब ASA इंक्लूडेड साइड लेनी है, ये नहीं ले सकते XZ और AC बराबर हो, फिर ये नहीं बनता है दो एंगल्स, तो बीच वाली साइड। और SAS में दो साइड्स और बीच वाला एंगल, तो ड्रा करके मैं बताता हूँ। ये आ गई हमारी एक साइड ट्रायंगल की, ये दूसरी आ गई, और ये आ गई तीसरी साइड। और इसी तरह से एक और ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये और ये आ गई थर्ड साइड, इसका नाम रख लेते हैं ABC, इसका रख लेते हैं PQR। AB PQ के बराबर होनी चाहिए, AC अगर हमने लिया जहाँ, तो PR के इक्वल, और इंक्लूडेड एंगल A और P हुए, एंगल A एंगल P बराबर हूँ, AB और PQ बराबर, और AC और PR अगर बराबर हूँ, तो ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट होंगी बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो जहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि एंगल साइड्स जो इक्वल हैं उनके बीच वाला होना चाहिए, एंगल A और एंगल P ही लेना है, BQ या CR नहीं ले सकते हम इस क्राइटेरियन में। फिर फोर्थ क्राइटेरियन है RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। R मीन्स राइट ट्राइंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, और S मीन्स हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड। तो सबसे पहले यहाँ राइट ट्राइंगल होनी चाहिए, मान लो इस तरह से राइट ट्राइंगल है ये, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, और दूसरी ट्राइंगल है ये आ गया राइट एंगल, तो राइट ट्राइंगल हो गई। ये ABC और ये PQR रखते हैं नाम, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ AC है, AC और PR बराबर होने चाहिए, फिर चाहे AB PQ के इक्वल हो या BC QR के, कोई एक साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज इक्वल, तो BC हम ले लेते हैं QR के इक्वल, अगर राइट ट्राइंगल में ऐसा हो जाए हाइपोटेन्यूज बराबर और ये BC और QR बराबर, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। और फिर एक फिफ्थ क्राइटेरियन है, अगर दो एंगल हमारे इक्वल हो तो फिर साइड चाहे इंक्लूडेड ना भी हो, जैसे यहाँ ये है ASA, इस क्राइटेरियन में साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो AAS या SAA ये भी क्राइटेरियन है कॉन्ग्रुएंसी का, मतलब दो एंगल एक साइड, साइड चाहे इंक्लूडेड ना हो, कोई भी एक साइड हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगर दूसरी तरफ ऐसा हो दो साइड्स और एक एंगल और एंगल इंक्लूडेड ना हो, तब नहीं होता। SSA सर्व शिक्षा अभियान की जो शॉर्ट फॉर्म है वो SSA है, SSA क्राइटेरियन नहीं होता, आपने इस तरह से याद रखना है। क्योंकि AAS क्यों हो जाता है, क्योंकि जब दो एंगल एक ट्राइंगल के इक्वल होंगे दूसरी ट्राइंगल के, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, जब दो इक्वल होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो जब भी ऐसा हो दो एंगल इक्वल हों तो तीसरा हमारे पास अपने आप इक्वल हो जाएगा, मतलब तीन एंगल एक साइड फिर इक्वल हो, तो तब साइड चाहे जो मर्जी हो इंक्लूडेड हो इक्वल एंगल्स में या ना हो, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो दो एंगल अगर हमारे इक्वल हों, जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से, मान लो ये है हमारी ABC, ABC और दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं, ये मान लो PQR है, PQR और जहाँ दो एंगल इक्वल है, मान लो A और C एंगल Q और P के इक्वल है, ये एंगल Q के इक्वल है और ये
सी एंगल इसके इक्वल है, दो मार्क लगा देते हैं। और साइड कोई भी इन दो के बीच में इंक्लूडेड, ये साइड है, साइड मान लो ये ए बी और क्यू आर इक्वल है, तो या तब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी बाई ए ए एस या एस ए ए, मतलब एस इनके इक्वल एंगल के बीच में नहीं है, यहाँ राइट साइड है ऐसे जहाँ लेफ्ट साइड है, तो दो ए इकट्ठे आते हैं जब जो साइड इक्वल है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इस क्राइटेरियन से भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो ये पांच क्राइटेरियन हमें याद रखने हैं, दो एंगल्स अगर इक्वल हो तब साइड चाहे इंक्लूडेड ना भी हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, लेकिन जब दो साइड्स इक्वल हों और एक एंगल, तब एंगल बीच में ही होना चाहिए, एस एस ए का मतलब होता है एंगल बीच में नहीं, तो इसलिए ये एस एस ए से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती ट्राइंगल्स। फिर ये नोट भी लिखा हुआ है एस एस ए आर ए एस एस और साथ में ट्रिपल ए, तीनों एंगल इक्वल हों अगर साइड कोई भी इक्वल ना हो तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, कम से कम एक साइड तो इक्वल चाहिए ही चाहिए होती है, अगर तीनों एंगल इक्वल हों तब भी इज नॉट ए क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्रिपल ए भी नहीं है और दो साइड्स एक एंगल और एंगल नॉट इंक्लूडेड भी क्राइटेरियन नहीं है। तो एक क्वेश्चन है ये कर लेते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है ए सी और ए डी, ये मैंने मार्क लगा लिया, इट मीन्स कि ए सी और ए डी बराबर, एंड ए बी बाइसेक्स एंगल ए, और ये जो ए बी है ये इस ए एंगल की बाइसेक्शन करता है, इट मीन्स ये एंगल सी ए बी और डी ए बी ये इक्वल, ये भी गिवन है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो, पहले हम ये कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, ये टू प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, गिवन लिखना है, गिवन हमें एक गिवन है ए सी और ए डी इक्वल, इसका नंबर वन देते हैं ए सी और ए डी इक्वल, और दूसरा गिवन है हमें ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इट मीन्स एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी, तो ये दो गिवन हो गए। फिर टू प्रूफ लिखते हैं हम ज्योमेट्री में, प्योर ज्योमेट्री जब हो टू प्रूफ ये करना है, शो दैट जो लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये फिगर है ए बी डी। फिर लिखते हैं हम प्रूफ, तो ये साइड एक एंगल और ये कॉमन साइड हो जाएगी, तो एस ए एस क्राइटेरियन से ये होगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वो हमने ले लेनी है, तो ए सी इसकी साइड है, ए सी फर्स्ट और थर्ड लेटर, और यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड लेटर ही बनना चाहिए, इक्वल टू ए डी, तो ये ए सी और ए डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, और ये इक्वल कहाँ से आया, फ्रॉम वन ए सी और ए डी, ए डी डी लिखना, ये गिवन है। दूसरा एंगल सी ए बी, सी ए बी तो ऑर्डर देख सकते हैं, थर्ड लेटर फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, तो यहाँ भी डी ए बी, थर्ड फर्स्ट सेकंड लेटर डी ए बी और सी ए बी, तो ये भी गिवन है, फ्रॉम सेकंड हमारे पास ये आया, एंड ए बी, और यहाँ भी ए बी, फर्स्ट टू लेटर से जो साइड बनी है ए बी, और यहाँ भी ए बी साइड जो है इस ट्राइंगल की भी है और इस ट्राइंगल की भी है, तो ये है कॉमन साइड, एक ही साइड है तो ये तो इक्वली होगी, इसका रीजन लिखते हैं हम कॉमन, देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ए बी डी, साइड एंगल साइड और एंगल ए सी और ए बी के बीच वाला ही है, ये इंक्लूडर है, तो देयर फॉर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस ए एस क्राइटेरियन, तो यही हमें प्रूव करना था इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, तो कोई एक क्राइटेरियन यूज करना चाहे ट्रिपल एस
चाहे ASA करो, SAS करो, RHS या AAS या SAA, कोई भी जो भी हमें मिले, तो उस क्राइटेरिया को यूज़ करके हमें इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, इस ट्रायंगल में देखो BC और BD ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कोई भी दो कॉन्कुरेंट ट्रायंगल्स हों तो उसमें शेप पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, तीन एंगल और तीन साइड्स। तो जैसे ABC और ABD ये हैं कॉन्कुरेंट ट्रायंगल्स, ए और ए एंगल, बी और बी एंगल, और सी और जहाँ एंगल जो ए है वो है CAB, और जहाँ जो इस ट्रायंगल का ए एंगल है वो है DAB, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर ये ABC एंगल और ABD, ABC ये वाला एंगल और ABD ये नीचे वाला, ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। फिर CBA ये एंगल और DBA ये एंगल, और फिर C पर जो एंगल है BCA और BDA, BCA ये एंगल, BDA ये एंगल। तो ये तीन एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और तीन साइड्स AB इसकी भी है, इसकी भी है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। फिर BC ये साइड, और यहाँ BD ये, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और AC और AB। तो इस तरह से शेप पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, और कॉन्कुरेंट ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। नाउ BC इज इक्वल टू BD, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो, ये इक्वल है, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्कुरेंट ट्राइंगल। तो पहले हम बाई लिख लेते हैं, बाई CP CT, BC और BD इक्वल है, रीजन बाई CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स। तो ये बहुत बार हम यूज करेंगे CP CT, CP CT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स। ये शे होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स, तो ये याद रखना, और ये इक्वल होते हैं। अगर आपको ऐसे बोला गया होता कि प्रूव दैट BC इक्वल टू BD, तब भी हमने पहले इनको कॉन्कुरेंट प्रूव करना था इन ट्राइंगल्स को, और फिर ये लिखना था कि ये जो हैं BC और BD ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स की, इसलिए ये इक्वल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करूँगा। वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि स्टार्ट करना था तो बेसिक कंसेप्ट बताने होते हैं स्टार्टिंग वाले दिन, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में करता हूँ।